नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत कुमार, आप देख रहे टू जेट प्रोसेस। आज हम बात करने वाली इस वीडियो में दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी, जिस चीज का कई दिनों से इंतजार था, आज 51 बैंकों में उस सर्विस को पूरी तरह से लॉन्च कर दिया गया है। अब आपके पास एटीएम कार्ड रहे या न रहे उससे कोई भी मतलब नहीं है, अब आधार कार्ड से सब कुछ काम किया जाएगा। तो कौन सा सर्विस को जारी किया गया है, क्या इसका प्रोसेस है, सारा कुछ इस वीडियो में हम कंप्लीट बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। और दोस्तों यहां तक कि एसबीआई बैंक में भी सर्विस को जारी कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ देख लीजिए, 51 बैंक का लिस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। इन सभी बैंकों में एक नया सर्विस को ऐड किया गया है और इस सर्विस के लिए काफी दिन से काफी लोग इंतजार कर रहे थे कि ये सर्विस कब जारी किया जाए। आज फाइनली 51 बैंकों में नया सर्विस को ऐड कर दिया गया है, जिसे बिना एटीएम कार्ड का सब कुछ आप काम कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले अपना बैंक के नेम देख लेना है। ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पे बैंक का नाम देखने के लिए मिल रहा है, 51 बैंक का नाम देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ तक कि दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब एसबीआई बैंक में भी ये नया सर्विस को ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम देखने के लिए मिल रहा है। वीडियो को स्टॉप कर करके जो है कि इस लिस्ट में अपना बैंक के नेम को देख लेना है। अगर इस लिस्ट को अगर देखना चाहते हैं पूरा डिटेल्स में, तो दोस्तों अगर आप अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। इस लिस्ट को व्हाट्सएप चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे, वहां पर जाकर जो है कि लिस्ट को बहुत ही सिंपल तरीका से आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी बैंक में नया सर्विस को ऐड किया गया है। तो दोस्तों अगर इस लिस्ट में आपका बैंक के नेम दिख रहा है तो फिर उस सर्विस को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिना एटीएम कार्ड का, चलिए इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स में बता देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम बैंक हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मोबाइल का प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे दिख जाता है सर्च बॉक्स, सर्च बॉक्स में टाइप करना है। दोस्तों अगर आप जिस ऐप को इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर आप पेटीएम ऐप को इस्तेमाल करते हैं, तो सर्च बॉक्स में टाइप करना है पेटीएम। उसके बाद इस प्रकार से ऐप देखने के लिए मिल जाता है, इस ऐप को अपना मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। या फिर अगर आप गूगल पे यूज करना चाहते हैं तो आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है गूगल पे। उसके बाद इस प्रकार से ऐप देखने के लिए मिल जाता है, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। या फिर अगर आप भीम ऐप को यूज करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है भीम, इस प्रकार से ऐप देखने के लिए मिल जाता है, इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। या फिर अगर आप फोन पे ऐप को चलाना चाहते हैं, फोन पे ऐप को यूज करना चाहते हैं, तो सर्च बॉक्स में टाइप करना है फोन पे। उसके बाद इस प्रकार से ऐप देखने के लिए मिल जाता है, इस ऐप को सबसे पहले अपना मोबाइल में इस प्रकार से इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इस प्रकार से ऐप को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे एक मोबाइल नंबर को टाइप करना है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ओटीपी डालकर सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। फोन पे ऐप ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। फोन पे के अंदर जितना भी सर्विस है, इस प्रकार से ऑल सर्विस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे दिख जाता है प्रोफाइल, प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है बैंक अकाउंट के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फोन पे के अंदर जितना भी आपका बैंक अकाउंट ऐड होगा, इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाता है। या फिर अगर आप न्यू बैंक को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिख जाता है ऐड न्यू बैंक अकाउंट, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से सबसे पहले अपना बैंक के नेम को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे दिख जाता है सर्च बॉक्स, सर्च बॉक्स में अपना बैंक के नेम को टाइप करना है। तो चलिए यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो मोबाइल नंबर से यहाँ पे वेरीफाई किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट ऐड हो गया है। अब यहाँ पे जो नया सर्विस को लॉन्च किया गया है, चलिए उस सर्विस के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी तक जो है कि 51 बैंक में आधार यूपीआई आईडी बनाने के लिए पूरी तरह से लॉन्च कर दिया गया है, जिसे आप बिना एटीएम कार्ड के आधार कार्ड से आधार यूपीआई आईडी बनाकर किसी के पास भी आप जो है कि पैसा लेन देन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, इसमें अगर आप आधार यूपीआई आईडी बनाना चाहते हैं और आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो यहाँ पे दिख जाता है सेट पिन के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अगर आपके पास डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड नहीं है
आपके पास आधार कार्ड है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देना है। यहाँ पे दिख जाता है प्रोसीड, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आधार नंबर फिलअप करने के ऑप्शन आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना फर्स्ट 6 डिजिट का आधार नंबर को टाइप करना है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक ओटीपी को सेंड किया गया है। ओटीपी यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप हो गया है। अब आपको क्या करना है, डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों बैंक के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पे भी एक ओटीपी को सेंड किया गया है। ओटीपी यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप हो गया है। अब डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों 4 डिजिट का यूपीआई पिन यहाँ पे अपना मन पसंद से बना लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम बना लेते हैं इस प्रकार से। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसके बाद डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ पे 4 डिजिट का कन्फर्म यूपीआई पिन को टाइप करना है। तो चलिए यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है डन, डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे बैंक ऐड हो गया है। अब आपको बैंक हो जाना है। अब यहाँ से आप कौन कौन सा सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत सारे सर्विस दिया गया है। यहाँ से आप जो है कि मोबाइल नंबर के द्वारा किसी के पास भी जो है कि आप पैसा को सेंड कर सकते हैं, UPI ID से पैसा को आप सेंड कर सकते हैं, अपना खुद का अकाउंट में पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे सर्विस देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो इस प्रकार से आप जो है कि 51 बैंक में आधार UPI ID बनाने का पूरी तरह से लॉन्च कर दिया गया है। अगर उस लिस्ट में आपका बैंक का नेम शो कर रहा है तो इस प्रकार से आप आधार UPI ID बना सकते हैं।